हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में किस प्रकार से हम तेलुगु भाषा में वाक्यों को उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम भूत, वर्तमान और भविष्य काल में वाक्य किस प्रकार से हम बनाते हैं और तेलुगु भाषा में इन वाक्यों को कैसे उपयोग करते हैं, इसी विषय में आज हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट देना मत भूलेगा। दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए नए आए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अपनी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मोहन मंदिर जा चुका। मोहन गुड़ी की वेल्ली पोयाडु। दोस्तों, मैंने कहा वेल्ली पोयाडु नहीं। देखिए, हमारे हिंदी भाषा में ल होता है दोस्तों, ल नहीं होता है, लेकिन हमारे तेलुगु भाषा में ल होता है, इसीलिए मैंने उसका उच्चारण वेल्ली पोयाडु कहा है। अगर हम मोहन मंदिर गया, इसी वाक्य को अगर हम तेलुगु भाषा में बोलेंगे, मोहन गुड़की वेल्लाडु। क्या कहा दोस्तों? मोहन गुड़की वेल्लाडु। दोस्तों, इसी वाक्य को अगर हम वर्तमान काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे मोहन मंदिर जा रहा है। मोहन गुड़की वेल्लुतुन्नाडु। मोहन मंदिर। दोस्तों, हम मंदिर को हमारी तेलुगु भाषा में गुड़ी बोलते हैं, मंदिर मतलब गुड़ी। मोहन गुड़ी की वेल्लुतुन्नाडु। तो ठीक है दोस्तों, इसी वाक्य को हम भविष्य काल में कैसे बोलेंगे? मोहन गुड़ की वेल्ताडु। मोहन मंदिर जाएगा। मोहन मंदिर जाएगा। मोहन गुड़ की वेल्ताडु। वेल्ताडु। मोहन गुड़ की वेल्ताडु। दोस्तों, यहाँ तो मैंने लॉ लिखा है दोस्तों, लेकिन आप उच्चारण लॉ का ही करना है, वेल्ताडु। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने मोहन के बारे में कहा है। मान लीजिए आपकी कोई छोटी बहन होगी या आपका कोई दोस्त होंगे, सहेली जो भी होंगे, वहां पे आप किसी लड़की का नाम भी लगा सकते हैं। अगर हम किसी लड़की का नाम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम भूत, वर्तमान और भविष्य काल में हम वाक्य बनाते हैं, वो आज वो भी सीखेंगे। लक्ष्मी ट्यूशन जा चुकी। लक्ष्मी ट्यूशन की वेल्लिपोयिंदी। अगर हम ऐसे कहेंगे लक्ष्मी ट्यूशन गई, इसको हम बोलेंगे लक्ष्मी ट्यूशन की वेल्लिंदी। क्या कहेंगे? लक्ष्मी ट्यूशन की वेल्लिंदी। दोस्तों, इसी वाक्य को हम अगर भविष्य काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? लक्ष्मी ट्यूशन की वेल्तुंदी। क्या कहा दोस्तों? वेल्तुंदी। लक्ष्मी ट्यूशन जाएगी। दोस्तों, फिलहाल अभी तक हमने मोहन के बारे में, लक्ष्मी के बारे में ही कहा है। अभी हम अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं। अपने जो पिताजी होते हैं, जो हमारे घर के मुखिया होते हैं, उनके बारे में कुछ वाक्य बनाते हैं। पिताजी ऑफिस जा चुके। दोस्तों, ऑफिस के स्थान पर आप हॉस्पिटल बोल सकते हैं, शॉप का नाम बोल सकते हैं, कोई गांव बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको उस सब का अर्थ जाने रहना बहुत ही जरूरी है। पिताजी ऑफिस जा चुके। नाना या नानगारु ऑफिस की वेल्लिपोयारु। नानगारु ऑफिस की वेल्लिपोयारु। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में कोई आदमी आएंगे और आपसे पूछेंगे, आपके पिताजी हैं या ऑफिस चले गए हैं? तो आप फटाक से बोलेंगे,
नानगारु ऑफिस की वेल्ली पोयरु। कब बोलेंगे? जब वो आदमी आपसे तेलुगु में पूछेंगे तभी आप बोलेंगे नानगारु ऑफिस की वेल्ली पोयरु। नानगारु ऑफिस की वेल्ली पोयरु। दोस्तों, अगर हम इसी वाक्य को वर्तमान काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। नानगारु ऑफिस की वेल्तुन्नारु। नानगारु ऑफिस की वेल्तुन्नारु। वेल्तुन्नारु। आपसे पूछेंगे कोई कि आपके पिताजी ऑफिस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मैं नानगारु ऑफिस की वेल्तुन्नारा वेल्टन लेदा, मतलब आपके पिताजी ऑफिस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे नानगारु ऑफिस की वेल्तुन्नारु। नानगारु ऑफिस की वेल्तुन्नारु। दोस्तों, अगर यही वाक्य को हम भविष्यत काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे पिताजी ऑफिस जाएंगे। पिताजी ऑफिस जाएंगे। नानगारु ऑफिस की वेल्तारु। नानगारु ऑफिस की वेल्तारु। दोस्तों, अब बारी है अपने माताजी के ऊपर में वाक्य बनाने का। तो चलिए, अपने माताजी के ऊपर में हम किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। माँ बाजार जा चुकी। माँ बाजार जा चुकी। अम्मा संतकी वेल्लिपोयिंदी। अम्मा माँ। दोस्तों, हम तेलुगु भाषा में माँ को अम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्मा। हम तेलुगु में हमारी माँ को अम्मा बोलते हैं। अम्मा संतकी वेल्लिपोयिंदी। अगर माँ बाजार गई, क्या कहा? माँ बाजार गई, मतलब अम्मा संतकी वेल्लिंदी। वैसे स्थान पर हम बोलेंगे वेल्लिंदी, मतलब गई। गई के स्थान पर वेल्लिंदी। जा चुकी, मतलब वेल्लिपोयिंदी, मतलब वो ऑलरेडी जा चुकी। अम्मा संतकी वेल्लिपोयिंदी। दोस्तों, इसी वाक्य को अगर हम वर्तमान काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे माँ बाजार जा रही हैं। माँ बाजार जा रही हैं। अम्मा संतकी वेल्तोंदी। अम्मा माँ बाजार संतकी जा रही हैं। वेल्तोंदी। अम्मा संतकी वेल्तोंदी। दोस्तों, इसी वाक्य को अगर हम भविष्यत काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? माँ बाजार जाएंगी। माँ बाजार जाएंगी। अम्मा संतकी वेल्तुंदी। अम्मा संतकी वेल्तुंदी। दोस्तों, आपको और एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर मैंने लॉ लिखा है दोस्तों, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में लॉ का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन हमारे तेलुगु भाषा में लॉ का उच्चारण बहुत होता है। जैसे मैंने कहा वेल्लाड़ू, वेल्तुंदी, वेल्लू, ये लॉ का साउंड है ना दोस्तों, ये हमारे तेलुगु भाषा में ही है। आप ये मत समझिए कि हम हिंदी हैं, हम तेलुगु सीख रहे हैं, वैसे स्थान पर हम लॉ ही उच्चारण करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप तेलुगु सीख रहे हैं ना, तो आपको उच्चारण सीखना भी बहुत जरूरी है। उसीलिए आपको मैं एक ही शब्द को 4 से 5 बार बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। अम्मा संतकी वेल्तुंदी। वेल्तुंदी, वेल्तुंदी नहीं, वेल्तुंदी। अम्मा संतकी वेल्तुंदी। हम सब मिलकर मंदिर जा चुके। हम सब मिलकर मंदिर जा चुके। दोस्तों, मंदिर के स्थान पर आप दरगाह, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, जो भी है वहाँ पर स्थान का नाम डाल सकते हैं। दोस्तों, ये मतलब नहीं है कि मंदिर ही डालना है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब समान ही होता है। बस हमारा मन क्योंकि एक ही है ना दोस्तों, तो हमारे सभी एक ही मालूम पड़ता है। तो मैंने कहा हम सब मिलकर मंदिर जा चुके। मैं मंदिरम कलसी, मैं मंदिरम कलसी गुड़की वेल्लेमु। मैं मंदिरम कलसी, हम सब मिलकर गुड़की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की, दरगाह की वेल्लेमु। मैं मंदिरम कलसी गुड़की वेल्लेमु। गुड़की के स्थान पर दोस्तों, गुड़ी मतलब मंदिर, गुड़ी मतलब मंदिर, उसी स्थान पर आप जोन सा स्थान भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वाक्य को अगर हम
वर्तमान काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हम सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं। मनमंदरम कलसी मस्जिद की, मस्जिद की वेल्तु नामु। मैं मंदरम कलसी मस्जिद की वेल्तु नामु। हम सब मिलकर मस्जिद जा रहे हैं। वेल्तु नामु, वेल्तु नामु, जा रहे हैं। हम सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं। मैं मंदरम कलसी मस्जिद की वेल्तु नामु। दोस्तों, इसी वाक्य को अगर हम भविष्यत काल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे मैं मंदरम कलसी मस्जिद की वेल्तामु। हम सब मिलकर मस्जिद जाएंगे। हम सब मिलकर मस्जिद जाएंगे। मैं मंदरम कलसी मस्जिद की वेल्तामु। मैं मंदरम कलसी, हम सब मिलकर मस्जिद, मस्जिद। दोस्तों, मस्जिद के स्थान पर आप जोन सा भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी वहां पे आप डाल सकते हैं, कोई सब स्थान का नाम डाल सकते हैं। मैं मंदरम कलसी मस्जिद की वेल्तामु। हम सब मिलकर मस्जिद जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपका कुछ काम का है तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना दोस्तों, जिससे कि मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन तक आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। नमस्कार।